अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूँ मोना। हथियार की नोक पर बैंक के कैशियर को बंधक बनाकर 9 लाख रुपए की किए लूट। पुलिस जिला नवगछिया में एक बार फिर लूट की बड़ी घटना सामने आई है, जहां अपराधियों ने NH-31 किनारे स्थित बैंक ऑफ इंडिया में दिन दहाड़े हथियार की नोक पर बैंक ऑफ इंडिया नवगछिया शाखा के कैशियर मयंक कुमार और मैनेजर सुमित कुमार को बंधक बनाकर 9 लाख रुपए की लूट कर फरार हो गए। घटना मंगलवार की दोपहर करीब 3:45 बजे की बताई जा रही है, जहां हथियार के साथ 5 की संख्या में आए लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। प्रत्यक्षदर्शी कामेश्वर प्रसाद और राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि बैंक में एक ही सुरक्षा गार्ड था। अपराधियों ने गार्ड का दोनों हाथ उठाकर सावधान कर दिया था। 4 अपराधी अंदर घुसे, एक गेट पर ही रहा। चारों ने बैंक कर्मियों को पहले अपने गिरफ्त में लिया और साथ लाए रस्सी से सभी बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर 9 लाख लूट कर फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज, SDPO दिलीप कुमार दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच कर मामले की तहकीकात में जुट गए। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद शाम करीब 6:30 बजे भागलपुर प्रक्षेत्र DIG विवेकानंद पहुंचे और मामले की तहकीकात अपने स्तर से कर रहे हैं। 5 अपराधी लगभग 4:45 बजे बैंक में आकर के लूटपाट किया है, लगभग 9 लाख कुछ पे लूट लिया है। बाकी लोग देख रहे हैं अपराधी कौन है, लोग देख रहे हैं। सर, किस तरह की घटना हुई, मारपीट भी हुआ अंदर में, क्या हुआ घटना अंदर में? मारपीट किया, लपड़ थप्पड़ किया है, लपड़ थप्पड़ करके वो लोग को कैप्चर कर लिया है। हाँ। और लूटपाट किया है, 9 लाख कुछ पैसा ले लिया है, सब देख रहे हैं। तो CCTV में फुटेज सर सब देख रहे हैं। सर, मास्क में था या किस तरह से अपराधी था? मास्क में था, कुछ मास्क था, कुछ का मास्क खुला हुआ भी था। पहचान हो गया है, अभी कहना मुश्किल है, हम लोग अब देख रहे हैं। अंदाज कितना हुआ? की देख क्या है, घटना क्या हुई है, यही पुष्टि कर दी। घटना यहाँ रोबरी की घटना हुई है। अच्छा। तो अभी आ रहे हैं, SP साहब भी इंक्वायरी कर रहे हैं। कितने की हुई है? इंक्वायरी कर रहे हैं, तो अभी एग्जैक्ट जो है केस का वो अकाउंटिंग वगैरह कर रहा है, उसके बाद फाइनल किया है। मारपीट भी हुई है सर जी? मारपीट भी हुई है? कुछ स्टाफ लोगों के साथ। इनके साथ हुई है मारपीट? वो मैनेजर थे और कैशियर वगैरह का।